वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे है मेरी आर्मी? बेहतरीन आगाज, बेहतरीन अंदाज के साथ में सभी के सभी शेर और शेरनिया कमेंट बॉक्स में अपना प्रेजेंट लगा देंगे, जय हिंद कमेंट कर देंगे बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन आगाज के साथ में। जबरदस्त जोश होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को बेहतरीन लेवल पे क्लियर करने वाले हैं आज के क्लास में, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 बज चुके हैं सुबह के, यानी कॉन्सेप्ट क्लास की टाइमिंग हो चुकी है। और कॉन्सेप्ट क्लास है आपका यूट्यूब पे, इलेक्ट्रिक करंट पार्ट टू। और इलेक्ट्रिक करंट को आज पूरा छील डालेंगे और कल अपने इसमें सर्किट स्टार्ट करेंगे, सर्किट में भी मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये यूट्यूब की क्लास हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में बात आती है प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस में जो कल आपने क्वेश्चंस देखे, सही बता रहा हूं, एक बार कमेंट में रिप्लाई करना, क्या वो बच्चे अभी भी अंधेरे में हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरी पहले से प्रैक्टिस की हुई है, मुझे सर के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए वो आते हैं, वो क्वेश्चन मैं कर लूंगा, हो जाएगा? क्या अपडेटेड कंटेंट है? क्या नए क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है? क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं बनाई गई है? अगर यस तो एक बार कमेंट में रिप्लाई करके बताओ। कल जो ऑप्टिक्स में आपने क्लास करी, इसका पार्ट टू आज करेंगे और वो क्लास होगी माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे 12 बजे। दिल पे हाथ रख के कहना कि वास्तव में सर मान गए, जिस लेवल पे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपने कल, वो तो पहली क्लास थी, पहली क्लास में जो नए क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज आपने अप्रोच दी है, उसी लेवल पे पेपर का लेवल अपडेट हुआ है और उसी पे हमें काम करना चाहिए। तो बेटा वो जरूरी है, कनेक्टिविटी प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने साल भर पहले या मेरे दो साल पहले की प्रैक्टिस के कोई वीडियो देके अभी का पेपर निकाल लूं, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। दो साल पहले उत्तर लेंस, आउटर लेंस, इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन आज जो मेकअप वाला क्वेश्चन आता है पता भी नहीं चलता क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो बेटा अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो ये क्लास अपन करेंगे 12 बजे और मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है एयरफोर्स नेवी आईसीजी आर्मी वाले बैच में, और ये क्लास होती है आपकी 2 बजे। और ये दोनों की दोनों क्लासेज आपको, अगर आप एयरफोर्स नेवी आईसीजी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो अभिमन्यु लाइव वाले बैच में टॉपिक वाइज में 12 बजे और मिक्स में आपको 2 बजे मिलेगा। और पूरा कंप्लीट कोर्स है ये आपका, एक सब्जेक्ट नहीं है, पूरा कंप्लीट कोर्स है। और अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी 12 बजे और मिक्स प्रैक्टिस आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट होने की ओर आएगा तब हम मिक्स प्रैक्टिस पे अपना प्लान लेके आएंगे। और आपको पता है हमारी प्लानिंग अलग होती है, यूनिक होती है, सिस्टम के हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लास को बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे के पास है पेपर वही क्रैक करेगा। पेपर आना और उसको टाइम के अंदर सॉल्व करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ये टाइम मैनेजमेंट का काम अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आगाज के साथ में इलेक्ट्रिक करंट का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले जिस प्यार, जिस उम्मीद, जिस भरोसे के साथ में मैं आपसे वादा लेता हूं और आप वो वादा निभाते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दें और अपना पूरा का पूरा सपोर्ट हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए, उस प्यार के साथ, उस मेहनत के साथ, उस डिसिप्लिन के साथ, उस रेगुलरिटी के साथ में जिसको हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दें, सारे के सारे मेरे शेयर, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दें बेटा, फटाफट से सारे के सारे मेरे शेयर एक बार क्लास को शेयर करेंगे और अपना पूरा सपोर्ट देंगे बेहतरीन लेवल पे। और बाबू एक ही बात बोलता हूं हमेशा, इस सपोर्ट के लिए ही मैं आपके आगे हाथ फैलाता हूं, यही हमारा मेहनत का आउटपुट है, यही हमारी मेहनत का रिजल्ट है। और यही चीज अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, कभी नहीं, मैंने कई बार यूट्यूब पे ऐसे देखा है, टीचर्स धमकी देते हैं तुम शेयर नहीं करोगे, तुम लाइक नहीं करोगे तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। नहीं बाबू, मेरी क्लास में 5 बच्चे आएंगे तब भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि शुरुआत हमने 5 से ही करी है। 5,000 आएंगे तो भी पढ़ाऊंगा, आप शेयर करेंगे तो भी पढ़ाऊंगा,
और उसी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, उसी दिल से पढ़ाऊंगा, दिमाग में सारे विचारों को साइड में रखे कि मेरी क्लास में 5 है कि 500 है कि 5000 है कि 10000 है, फर्क नहीं पड़ता जनाब। मैं अपने काम में जिस दिन गुस्ताखी करूंगा, जिस दिन अपनी लापरवाही के साथ में, अपने ईगो के साथ में क्लास में आऊंगा, उसी दिन समझ जाइएगा कि अब लेना देना नहीं रहा क्लास में। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो जुड़ जाओ पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में, और आज ओम श्लोक को इस कदर पढ़ेंगे, इस कदर सीखेंगे कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। जरा मैं 3 लोगों से आपको मिलाता हूं, जरा इनसे मिलिए, हेलो आए, टाटा बाय बाय, जय हिंद बोलिएगा इनको। एक है, सबसे बड़ी बात है जिसकी बात हम कर ही रहे हैं, करंट। एक है वोल्ट यानी पोटेंशियल, और एक बाबू देख रहे हो इनका सबसे खतरनाक खतरनाक खिलाड़ी, जिसका नाम खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, और वह है ओम बोले तो रेस्टेंस, ओम बोले तो रेस्टेंस, वोल्ट बोले तो पोटेंशियल, एम्पियर बोले तो करंट। करंट को बेचारे को फ्लो करना था, अब बेचारा बोलूं बेचारी बोलूं मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं करंट बोल लेता हूं नहीं तो इसको तकलीफ हो जाएगी। तो करंट को फ्लो करना था, करंट को फ्लो करना था, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वोल्ट यानी पोटेंशियल। इतने में उस बच्चे ने मेरे से सवाल किया, गुरुजी कैसे कैसे सपोर्ट किया ई तो बताइए। मैंने कहा थमजा बाबू, आप मुझे बताओ करंट किसकी वजह से फ्लो करता है। बच्चे ने कहा गुरुजी चार्ज ट्रेवल की वजह से। और चार्ज ट्रेवल कहां से करता है, क्यों करता है। गुरुजी पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा कैसे, जैसे यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल कम है, तो इधर से चार्ज फ्लो करेगा इधर, और चार्ज इधर फ्लो करेगा तो करंट इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा। अच्छा, तो ये जो करंट फ्लो किया, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट किसका, गुरुजी पोटेंशियल का। सर वो तो हमें इधर भी दिख रहा है, ये करंट आगे की तरफ बढ़े इसके लिए वोल्ट पीछे से कर रहा है, अरे भाई चल चल फटाफट, अरे पोटेंशियल डिफरेंस है निकल ले यार जल्दी कर। ये शुक्र है कि करंट को गैस ना बने, लेकिन ये गैस बने ना बने गैस बनाई जाएगी, और वो गैस बढ़ाएगा रेजिस्टेंस। इसने भाई साहब यूं लपेट के एक रस्सी बांध दी, जरा देखो बड़े प्यार से समझाऊंगा, समझिएगा, देखिएगा, अपना जुगाड़ जिंदाबाद, यस ओके। ये देखो फील करना मैंने इसको कहां से पकड़ रखा है, ये वहीं से पकड़ रखा है जिससे इसको चिपकाया गया। ये देखिए ई, देखिए ई पाइप हुआ कुछ ऐसा था, और रस्सी ऐसे बांध दिया इस पे, ऐसे बांध दिया। मैं भी आपको दिखाई देता हूं, रस्सी का काम करके दिखाई देते हैं आपको भी, बड़े प्यार से बांधा गया है। यस ई देखिए, हम भी बन जा रेजिस्टेंस का, ई से बांधा इसको, और ई से बांध के ऊपर खींच रहा है बेचारा, करंट आगे जाना चाहता है और इसने पकड़ के निचोड़ दिया भाई साहब, इसको बांध दिया, इधर पोटेंशियल कर रहा है, अरे भाई बस थोड़ा सा और किसक निकल, आगे निकल, वोल्ट यानी पोटेंशियल सपोर्ट कर रहा है, करंट आगे जाना चाहता है, रेजिस्टेंस कहता है कि किधर चले, थम जाओ, मेरा नाम है रेजिस्टेंस और मेरा काम है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकना। तो जरा हमारे को भी सलाम ठोक दो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस ने उसके फ्लो को रोका, रेजिस्टेंस का काम है चार्ज फ्लो को रोकना, करंट को रोकना, करंट फ्लो में रुकावट डालना, टांग डालना, टांग अड़ा दी भाई साहब, टांग फंसा दी। तो ये चार्ज फ्लो को जो रोकता है वो रेजिस्टेंस है, ये करंट है, और ये आपका पोटेंशियल है। इन तीनों भाइयों से अगर आप मिल लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल के बारे में, करंट के बारे में और वोल्टेज के रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सभी बच्चों को पता है जनरली डिस्कशन में, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हो, वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आई या वी बराबर आई आर और आर बराबर वी अपोन आई। मुझे पता है, मुझे अलग से इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये फिगर पे मेहनत करनी थी, फील कराना था कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सर मैंने स्लेट वाला फोटो नहीं लगाया पाया अरे यार, दे 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 दे। सच में मतलब ऐसे बच्चों को पकड़ के ऐसे
प्यार से समझाने का मन करता है ना। कल मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ना, अभी ये कमेंट में स्पेम कर रहा है, अभी मैं इसको यहां से ब्लॉक कर दूंगा, फिर ये कॉल करके रोएगा। लेकिन तसल्ली नहीं है, हजार बार कल समझाया था और सच में गुस्सा आता है, और बहुत भयंकर वाला गुस्सा आता है। चलो पूरी 6 महीने की तैयारी उसकी बैंड बजा के रख देते हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म गलत भरा है, कल को रिजेक्ट होएगा, रोएगा। कल इनको डॉक्यूमेंट्स का वीडियो डाला, तसल्ली नहीं थी, फॉर्म भरने दुकान पे पहुंचा, सर कैसे भरूं, मैंने कहा रुक जा यार, तसल्ली रखे, वीडियो आएगा। आज सुबह ये वीडियो डाला है, नहीं देखा, हजार बच्चों ने देखा, अभी हजार बच्चों ने केवल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो भी मोनेटाइज नहीं है। आप देखो ना देखो, इसके लिए वीडियो नहीं डाल रहे हम कि तुम देखो, और मैं प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये वीडियो मोनेटाइज है, तुम देखो ही जाके, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि तुम इधर कल आके कमेंट ना करो, तुम कॉल ना करो कि मेरा फॉर्म गलत भर दिया है मैंने। 3 घंटे मेहनत करी है ना, तब पीपीटी तैयार हुई थी इसकी, बीए सर को पूछना। ये ऐसे वीडियो वो सर बनाते, मैं नहीं बना पाता, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है 3-3 घंटे इस पे काम करने के लिए। वो 3 घंटे लगा के ये वीडियो बनाए, पीपीटी तैयार करके, एक एक पॉइंट पे चेक करके उसको, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती अपने कैरियर के साथ खेलते हुए। कमेंट कर दोगे इधर आके, लेकिन देखोगे नहीं इसको। ये शुरुआत है अभी, तो पहला कमेंट, अगले 5-7 दिन में बताऊंगा कि कैसे तुम लापरवाही, चीख चीख के कहने के बाद लापरवाही करोगे। और ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, मर्जी आए तो 3 बार देखना, मर्जी नहीं आए तो मत भी देखना इसको। प्यार से समझाते, नहीं समझते हो तुम। इंफॉर्मेशन के वीडियो तुम्हारे फेवर के लिए होते हैं, तुम्हारे भले के लिए होते हैं, समझो उसको। आज दूसरा दिन है और हो गए कमेंट में स्टार्ट, स्लेट नहीं लगाई, फोटो नहीं लगाई, आंख नहीं दिख रही, कान दिख रहा है, चश्मा लगा लिया, ये लगा लिया, बैकग्राउंड ये आ गया, वो आ गया, ये भर दिया, ये नहीं है, डीओबी गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो वीडियो देख लेना। और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए, नहीं है मत भरो फॉर्म, जब तक वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, जब तक वो डिटेल आपके पास नहीं है, जब तक वो करेक्ट नहीं हो जाती, फॉर्म मत भरो, फॉर्म रिजेक्ट होगा, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अपने कैरियर के साथ खेल रहे हो। ओम्स लो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सारे बच्चों को पता है, और ये चीज काम करनी होगी, इस पे समझना होगा। और क्या है, वी डायरेक्ट प्रपोजनल आई, वी बराबर आई, और आर, आर है रेस्टेंस ने एंट्री मारी, और रेस्टेंस ने जैसे एंट्री मारी करंट की लंका लगा दी, आर इक्वल टू वी अपोन आई। लेकिन 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 एक सबसे बड़ी बात यह थी कि एक मैंने एक लाइन लिखी है, और उस लाइन पर थोड़ा सा मैं आपसे अटेंशन चाहूंगा और रिप्लाई दीजिएगा। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट कौन कौन सी, लेंथ, लंबाई, टेम्परेचर, ताप, मैकेनिकल स्ट्रेन, यानी उसमें कोई लकवा तो नहीं मार गया है, कोई समस्या तो नहीं हो गई है, पहले वायर कुछ ऐसा था उसके बाद में उसको लकवा आ गया हो, मतलब उसका कुछ डायमेंशन चेंज हो गया हो, स्ट्रेन है ना, मैकेनिकल स्ट्रेन अपन कह सकते हैं, ठीक है, यस सर। इसके बाद में ये सारी चीजों में बदलाव ना हो, पहली शर्त हमारी, ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए, ना लेंथ बदले, ना टेम्परेचर बदले, ना उसमें कोई थोपड़ा चेंज हो, कोई लकवाकवा नहीं मारे उसको, ये सब कांस्टेंट रहे, तो तब जाके कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट चालक के सिरों पर आरोपित विभांतर के समानुपाती होता है, वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई या वी बराबर आई आर। अर्थात ये वाला पॉइंट है जहां आर एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रेस्टेंस कहते हैं, ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है, बहुत बड़ा बापू है, लेकिन इसकी वैल्यू कहां होगी, अभी तसल्ली रखो, जरा ध्यान से बड़े प्यार से समझाता हूं, सवालों पे काम करेंगे, यहां से छापेंगे रे पेपर में, क्या ओम्स लो बाबू, वैसे बड़ा लेवल का बापू है, लेकिन यहां पर आके पिघल गया, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सबके लिए वैलिड नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए वैलिड है जिसमें वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आई आता है, यानी वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है।
अगर वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो उसमें ओम्स लॉ वैलिड है, और जिसमें ओम्स लॉ वैलिड है उसका एक अलग ही नाम हमने रख दिया, क्या? ओमिक सब्सटेंस, ओमीय पदार्थ। ओमीय का नियम सार्वत्रिक नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन लेकिन जिसके लिए ये वैलिड है, ओम्स लॉ जिसके लिए काम में आता है, वो है आपका ओमिक रेस्टेंस, ओमिक सॉरी ओमिक सब्सटेंस यानी ओमीय पदार्थ। एक बात सारे बच्चे काफी देर बाद में मैं पूछ रहा हूं, एक बार एग्रीमेंट दे दो। और एक बात याद रखना, जिस बच्चे का कमेंट था उस पे गुस्सा मैंने किया, और गुस्सा और डांट जब अपनों को दुख होता है, अपनों को दर्द होता है ना, तो ही पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। एक बच्चे ने आज अपना फॉर्म गलत किया है, कल दूसरा करेगा, कल तीसरा करेगा, जबकि हम जी जान से आपको हर वो चीज क्लियर करके देने के लिए तैयार है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप उस पर काम नहीं करते हो, आपको वो चीजें यूजलेस लगती है, आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करते। हमारी टीम अलग है, हटके है, हमारे चैनल पे जो वीडियो आता है उसका कोई मकसद होता है, अर्निंग मकसद नहीं है उसका, और मैं पिछले 3 महीने से बात आपको समझा रहा हूं, समझिए। तो बेटा प्लीज, हक से कह रहा हूं, हक से डांट रहा हूं, समझो, फॉर्म गलत मत भरो यार, नहीं तो आपकी और हमारी इस मेहनत पे पानी फिर जाएगा पूरी पे, जब आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तसल्ली से भरो, बहुत टाइम है अभी अपने पास, भर लेंगे आराम से, जो चीजें गलत है उनको सही करो, उसके बाद में फॉर्म भरो, ठीक है? तो ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि जिसके लिए ये वैलिड है वो ओमिक सब्सटेंस है। और बेटा एक सवाल यहां से छप गया है पेपर में, यहां से एक क्वेश्चन पेपर में छप गया है, और उस क्वेश्चन का लेवल समझना, उस क्वेश्चन का लेवल समझना जिस पे हम काम करने वाले, एनडीए का सवाल है, कतई जहर वाला सवाल। क्या है आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक से बेटा, सिंपल लॉजिक से बताना, ये बेटा वी है और ये आई है और ये थीटा है, तो बेटा अगर मैं इसको इस तरीके से यहां पे मिला दूं, तो ये इधर वाली लाइन V है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी V, और ये इधर वाली I है, ऑलरेडी I है। आप मुझे एक बात बताएंगे बेटा, tan थीटा बराबर क्या होगा? प्यार से बता रहा हूं, समझा रहा हूं, प्लीज समझ लेना, बहुत गजब क्वेश्चन बनाऊंगा यार यहां से। tan थीटा बराबर लंब, ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, लंब क्या है V बटा बेस क्या है आधार I। आप मुझे ओम का नियम बताएंगे बेटा क्या होता है, आप मुझे ओम का नियम बताएंगे क्या होता है? बेटा V अपॉन I को मैं क्या लिख सकता हूं? R, तो टेन थीटा बराबर आर। अब जरा मुझे बताओ भाई, टेन थीटा बराबर आर यानी जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। आप मुझे बताएंगे बेटा टेन जीरो का मान कितना होता है? टेन जीरो का मान साइन जीरो बटा कोस जीरो का मान एक यानी जीरो, और टेन नब्बे का मान कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट। तो बेटा जीरो से नब्बे की सॉरी जीरो से नब्बे की ओर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ता है क्या? अरे जीरो से इनफाइनाइट पहुंच गए गुरुजी, कहना क्या चाह रहे हो? और एक जहर सवाल घोलना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में, जो कभी जिंदगी में ना भूलो तुम। जब टेन का वैल्यू 0 डिग्री से बढ़ते 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 90 तक गया, टेन का वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ा, तो इसका वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ा। मतलब अरे मेरे भाई, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे टेन का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे रेस्टेंस बढ़ेगा। तो अब इस फिगर को देख के जवाब दे दे, एनडीए वाले सवाल के लंका लगा दे। टेन थीटा वन, ये आपका टेन थीटा, आई थिंक वन कौन सा है, वन और टू, टेन थीटा वन ये आपका वन है, अच्छा ये वन लिखा है यहां पर, लिखा वन, तो ये टेन थीटा वन और ये आपका टेन थीटा टू, ये टू है और ये वन और ये आपका टू वाला। अब आप मुझे खुद इस फिगर को देख के बताओ, टेन थीटा वन ग्रेटर देन टेन थीटा टू, तो टेन थीटा वन का रेजिस्टेंस आर वन ग्रेटर देन आर टू। रे 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 रे, लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा, असली जहर अब घोलूंगा। एक बात बताऊं क्या, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को लेकर एक जहर सवाल है मेरे दिमाग में, टेम्परेचर का। एक बात बताओ, ये करंट जब इसमें से गुजर रहा था और पीछे से कोई माइक में बोले इधर से, हेलो हेलो, अल्फा टू डेल्टा, डेल्टा टू अल्फा, गामा बीटा, पीछे आग लगी है, जितना हो सके उतना जल्दी इधर से निकल लो, आग लगी बोले तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग लगी है, जल्दी निकलो,
भाई साहब इधर जो चार्ज थे उनको पता चला आग लगी है, भगदड़ मच गई। और भाई साहब चार्ज तो अंधाधुन भाग रहे हैं, ताप बढ़ गया, चार्ज अंधाधुन भाग रहे हैं, टक्कर हो रही है, कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, कोई उसके ऊपर से भाग रहा है। तो भाई साहब इसका काम हो गया, ज्यादा टक्कर बढ़ेगी, ज्यादा रेस्टेंस बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है। ओए होए होए होए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, R1 ज्यादा है मतलब ताप भी T1 ज्यादा होगा बाबू, रटना मना है, फील करना है। रेस्टेंस ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा, और ये T1 T2 क्या है, ये T1 T2 क्या है, टेम्परेचर है। जहरीला सवाल होगा ये पेपर का, टॉप क्वेश्चन यहां से, टॉप क्वेश्चन यहां से ओम ये पदार्थों के लिए वी और आई के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन चाहिए वो ये हो, चाहिए वो ये हो, चाहिए हो, और विभिन्न तापों पे जो ग्राफ बनते हैं वो अलग अलग ग्राफ बनते हैं। इस ग्राफ को लेकर एग्रीमेंट आ जाए कमेंट में तो मजा आ जाए, एग्रीमेंट आ जाए तो एक बार। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि अगर आप संडे को बोले थे कि अभिमन्यु बैच अगर आप लेते हो तो ये अगले बार तक, अगले वैकेंसी तक, अगले वैकेंसी तक, ये खोपड़ा खराब है। अभी हमारा जो नया बैच आने वाला है ना बेटा, जो हमारा प्लान भी लॉन्च होता है उसके लिए, मतलब एक एग्जाम के लिए हम 2 से 3 बार कोर्स करवाते हैं, अगली वैकेंसी तो पता नहीं कब होगी। अगली वैकेंसी नहीं, हमारा जो अगला प्लान आता है ना, प्लान बी, अगले प्लान तक वैलिड होता है, अगली वैकेंसी तक नहीं बेटा। थोड़ा सा तसल्ली से सुना करो, समझा करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया करो, ठीक है, क्योंकि हम किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसे कुछ भी नहीं बोलते थोड़ा सा सुनो समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो फिर। क्लियर बेटा? वह युक्ति या पदार्थ जो ओम के नियम का, मतलब कोई भी बच्चा हमारा अभी कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो जो हमारा नया कोर्स आ रहा है प्लान बी का, उसमें उसको फिर से कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो भी उस बैच में ही इनरोल होते हैं, जो बच्चा पहले दिन से पढ़ रहा है उसको दोनों कोर्स का बेनिफिट मिलता है। अब जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको भी पहले वाला कोर्स भी मिल जाएगा और जो ज्वाइन करेगा वो भी, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इंतजार कर रहे होते हैं तो उसका इंतजार करने का जरूरत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक है बेटा। वह युक्ति या पदार्थ जो ओम के नियम का पालन, भाई 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 भाई, ओ हो, ओम्स लॉ फॉलो करेगा, ओम्स लॉ फॉलो करेगा, उसे हम बोलेंगे ओमिक सब्सटेंस। अरे फॉलो कैसे? अरे भाई अभी अभी बताया है, वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइंस यानी ओमिक होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा सर स्ट्रेट लाइन इधर ही हो? अरे भाई इधर भी ओमिक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल, जैसे जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा तो, अरे भाई नहीं करेगा तो पता है ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा जैसे लकवा मारा हो, ऐसा ग्राफ वी और आई का, बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा ग्राफ। और ये ग्राफ पता है किसका है? डायोड का है। किसका है? डायोड, कहीं लिखा है क्या? डायोड ट्रांजिस्टर ये लिखा हुआ है, क्रिस्टल लिख दिया, वाल्व लिख दिया, ये डायोड ट्रांजिस्टर के ग्राफ इस तरीके से बनते हैं, अपन सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ वी और आई का स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे घूम गया, आगे से मुड़ गया, तो ये नॉन ओमिक है। क्या है बेटा? नॉन ओमिक। देखो अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हम नॉन ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया आपका, यहाँ पे देखो गैस हो गया, क्रिस्टल हो गया, वाल्व हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये आपका नॉन ओमिक सब्सटेंस या नॉन लीनियर कंडक्टर कह सकते हैं। नॉन ओमिक या नॉन ओमिक सब्सटेंस या नॉन आपका जो लीनियर है कंडक्टर है उसे डिफाइन कर सकते हैं। सर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए? मैं कहूँगा बेटा कहना गलत होगा, क्योंकि बेटा ओमिक सब्सटेंस का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, नॉन ओमिक के कम है, क्योंकि ओमिक की ज़्यादा वैल्यू है, उसका ज़्यादा यूज है, तो नॉन ओमिक कम है, ओमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरा ध्यान दीजिए। प्रतिरोध के बारे में अभी एंट्री मारी और प्रतिरोध के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओम्स लॉ से वी बराबर क्या होता आई आर, तो आर बराबर क्या होगा? वी अपोन आई। ईमानदारी से बताओ, क्या इसकी कोई डेफिनेशन देने की जरूरत है? अरे प्रतिरोध का मतलब क्या रे? अरे गुरु जी मैं सुपर कार चला रहा था,
मैं वो जिप्सी चला रहा था, जिप्सी थानेदार वाला, चौधरी साहब थानेदार जिप्सी, हाँ वही। अब अचानक से रोड पे ब्रेकर आया और ब्रेकर आते ही मैंने ठा करके ब्रेक लगाए गाड़ी पे, और भाई साहब गाड़ी जो रुकी मजा ही आ गया। फिर ब्रेकर से गाड़ी आगे गई, फिर मैंने रफ्तार पकड़ी, फिर आगे दूसरा ब्रेकर आया, फिर मैंने ब्रेक लगाए, फिर गाड़ी की स्पीड कम हुई। वो गाड़ी है तुम्हारा करंट है, फील करना, लिंक करना, इमेज बनाओ दिमाग में, गाड़ी है तुम्हारा करंट है और रोड है तुम्हारा कंडक्टर। रोड 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 कंडक्टर है, गाड़ी करंट है और वो तुम्हारा ब्रेकर। बताओ कमेंट में, अरे ब्रेकर कौन होगा? सोचो, कंडक्टर पे करंट फ्लो कर रहा था, सड़क पे गाड़ी चल रही थी, अचानक से ब्रेकर आया, वो ब्रेकर कौन है कमेंट में बताओ। वो ब्रेकर है रेस्टेंस, यानी प्रतिरोध, यानी इस फिगर को देखो, इधर से वोल्टेज कह रहा है चार्ज को, अरे भाई आगे चलो आगे चलो, आगे की ओर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इधर रेस्टेंस क्या कह रहा है, थम जा, कहाँ जा रहा है? अरे भाई रुक रुक, कहाँ जा रहा, रुक जा यार रुक जा, चलो आईडी दिखाओ आईडी। ये करंट के जो चार्ज आ रहे हैं इनको आगे नहीं जाने देगा, इसका काम क्या है, ये आपका रेस्टेंस है जो करंट फ्लो में रुकावट डालता है। जो करंट फ्लो में क्या करता है, रुकावट डालता है। क्या हर बच्चा कमेंट में रिप्लाई करता है? नहीं। क्या हर बच्चा उस लेवल पे कनेक्ट करता है? नहीं। और फिर सवाल अपने आप करते हो, मेरे से करते हो, कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं होते? सर जब मैं यहां पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आता हूं तो मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहां तुम टाइम पास कर रहे हो, यहां तुम चीजों को सीख नहीं रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, आपके दिमाग में अलग ही ख्याल चल रहे हैं, अलग ही चंद मतलब बाबू सोना धनिया पुदीना चल रहा है, कुछ और ही रसगुल्ले गुलाब जामुन चल रहे हैं। समस्या है बेटा, समस्या है, कनेक्ट करो। रेस्टेंस का फॉर्मूला, वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आई, वी बराबर आई आर, और यहां से आर बराबर हो गया वी अपॉन आई। एक फॉर्मूला तो ये बन गया जनरल जो सबको पता है। दूसरा बेटा, प्रतिरोध आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल होता है। किसी चालक तार की लंबाई क्या है बाबू? एल, और उसका एरिया है ए। तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली वन अपॉन ए, मतलब कह सकते हैं कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है। दोनों को मिला दिया, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल अपॉन ए। जब प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो एक और नई एलियन ने एंट्री मारी, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये रेस्टेंस का एक और फॉर्मूला मिल गया, कभी इसका यूज होगा तो कभी इसका यूज होगा। और इस फॉर्मूले से मैंने एक नया फॉर्मूला बना दिया, रो बराबर रामलाल। मेरा क्या ट्रिक था, राम मैं इसमें साइलेंट है और नीचे लाल, रामलाल बाबू रामलाल, रो बराबर रो रहा है काहे, पता नहीं गैस बन रही होगी पेट में इसलिए रो रहा होगा, रो बराबर रामलाल, रो बराबर रामलाल। तो ये रेस्टेंस के फॉर्मूले हैं, इनका एग्रीमेंट कौन बच्चा देना चाहेगा, इनका बच्चा कौन देना चाहेगा एग्रीमेंट? सर रेस्टेंस मतलब पड़ोसी, जो हमें पढ़ने से रोकना चाहते हैं, रेस्टेंस मतलब पड़ोसी। लेकिन तीनों चीज जरूरी है। अरे भाई करंट कौन सा, वोल्टेज कौन सा और रेजिस्टेंस कौन सा? जैसे रोड कंडक्टर फ्लो करेगा, गाड़ी अपना करंट है, और जिसको रोका हुआ है हमारा ब्रेकर, उसने हमें रोक लिया जाने से, उसको समझना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मात्रक और विमा मेरे से पहले कमेंट में छापोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा खटाक से। चलो आर बराबर वी अपॉन आई, वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा क्यू, और आई W बराबर Q बराबर क्या होता है आई टी, तो आई स्क्वायर इंटू टी। मेरे से सवाल नहीं करेगा कोई बच्चा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये काम तुम्हारा है। R बराबर V अपॉन आई, V बराबर W बटा Q, विभव का फॉर्मूला याद है ना। Q बराबर क्या होता है आई टी, तो आई टी और ई आई आई स्क्वायर। अब मेरे को कोई बच्चा विमा लिखने से नहीं रोक सकता। एम वन एल टू टी माइनस टू वर्क की विमा, आई की विमा खुद भाई साहब बापू है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ए की पावर टू और टी की पावर वन मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एम वन, और ये हो जाएगा आपका एल टू टी ऊपर आके माइनस का टू, और माइनस का वन माइनस का थ्री, और ए ऊपर आके माइनस का टू 12 माइनस का 32, 12 माइनस का 32। जहर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, मात्रक की बात करूंगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, अगर मैं जनरली बात करूं वी अपॉन आई, तो ये होता है वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर, या आर बराबर हो गया ओम, ओम
ओम ओम ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम जो ज्यादा प्रचलित होगा, इसका ये सिंबल है ओम। जैसे मैंने कहा 2.5 ओम, तो ये ओम का सिंबल होगा कुछ इस कदर। ठीक है बेटा, ओम। रेजिस्टेंस वोल्ट प्रति मीटर या ओम। जल्दी 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 बेटा जल्दी फटाक से, यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर है? अरे मेरे शेर ने फाड़ दिया, छाप दिया। रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी, अरे आग लगी, अरे पागो रे पागो पागो, भगदड़ मच गई जनाब। जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगे, जल्दी जल्दी कोई इधर लात, कोई इधर मुक्का, इधर कोई गुस्सा चल रहा है भाई साहब। क्या होगा? रेस्टेंस बढ़ेगा, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। अभी याद आया था कुछ बताऊं? अरे रे 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 रे, थम जा बाबू थम जा। वी और आई, ये लो ये लो, ये आपका थीटा वन, ये आपका थीटा टू, ये टेम्परेचर टी वन, ये टेम्परेचर टी टू। ओए होए, थीटा वन का स्लोप ज्यादा है, थीटा टू का स्लोप कम है। स्लोप ज्यादा यानी रेस्टेंस ज्यादा, रेस्टेंस ज्यादा यानी टेम्परेचर ज्यादा। हेलो ए भाई, अरे छोटे भाई क्या कहता है, छोटे भाई क्या कहता है यार, जल्दी जवाब दे यार। ये घुट पानी पी लेता हूँ, आज लंका लगा दी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट सच में। जल्दी मात्रक विमा टेम्परेचर सर राइट कर दिया है। चलो 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 चलो, कॉपी पेस्ट, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात प्रतिरोधकता। ओहो हो, रेस्टेंस की बड़ी बहन की एंट्री, आर बराबर रो एल अपॉन ए से निकल के आया, कॉपी पेस्ट। रो बराबर राम लाल, राम का लाल, राम लाल, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, शब्दों पे गौर करना, इसे स्पेसिफिक रेस्टेंस भी कहते हैं। रो बराबर राम लाल आर ए बटा एल, रो बराबर राम लाल आर ए बटा एल। चलो इसकी ज्यादा नहीं खातिरदारी करेंगे, इसको लंका में लपेटेंगे इधर बढ़िया से। अच्छा एक चीज मैं यहां से क्लियर करूं, अक्सर बच्चे क्या, कई बार मैंने आपको बताया, मिक्स प्रैक्टिस में भी बताया, और मिक्स प्रैक्टिस का आज जलवा अलग लेवल पे होने वाला है। एयरफोर्स ने भी, आईसीजी आर्मी वाले बच्चे ध्यान से सुने, आज की प्रैक्टिस मिक्स प्रैक्टिस होगी, समथिंग स्पेशल। और कल आपने किया, कल मैंने उसमें काफी सारे चेंजेस कर दिए, और वो बात मैंने कल क्लास में भी बताई है। तो मिक्स प्रैक्टिस एयरफोर्स ने भी, आईसीजी आर्मी वाले जो बच्चे हैं, वो 2 बजे वाले मिक्स प्रैक्टिस आज किसी भी कीमत पर मिस मत करना, बहुत कुछ मिस करोगे अगर मिस कर रहे हो तो। रो बराबर आर ए बटा एल, क्या रो आर पे डिपेंड करता है? जल्दी जल्दी कमेंट में एग्रीमेंट देंगे, जोश के साथ में ऐसा एनर्जी हुई उंगरे। कितना टाइम हो गया, 10:30 हो गए क्या? अरे यार आज तो भी तो क्या, ओके चाय वाय आ जाए तो कुछ समझ में आ जाए, मास्टर फिजिक्स वाला क्या पढ़ा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? ये धक धक होनी चाहिए अंदर, अलग लेवल की एनर्जी होनी चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हो, यो नींद थोड़ी ना लेनी है, अरे नींद से जगे हो क्या? अब पूछो तो कमेंट में टूट पड़ो, यो धमाके लेवल पे पूछो, उससे पहले जवाब मिलना चाहिए। मैंने कहा आप मेरे से टैलेंटेड हो, आप मेरे से इंटेलिजेंट हो, और नहीं हो तो बना के छोड़ूंगा, और मेरा मानना है कि हो। कैसे, क्या रो आर पे डिपेंड करता है? रो एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं, आर डिपेंड करता है एल पे, आर डिपेंड करता है एरिया पे, आर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये इसकी अलग कहानी है। लेकिन रो क्या एल पे डिपेंड करता है? नहीं, अरे रो केवल 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और एक नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, फर्क नहीं पड़ता इसको इस फॉर्मूले से, नहीं फर्क पड़ता। मैंने आपको रेस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस में यह बात समझाई थी, कैपेसिटेंस में यह बात मैंने समझाई थी, याद रखना कैपेसिटेंस Q बराबर CV, याद आया? C बराबर Q बटा V, Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, मैंने कहा था। क्या कैपेसिटेंस Q पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या कैपेसिटेंस V पे डिपेंड करता है? नहीं। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन R, डज नॉट डिपेंड्स ऑन A, डज नॉट डिपेंड्स ऑन L, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ कैसा है, नेचर कैसा उसका। यस, तो चलो फिर आगे आ जाओ फटाक से। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी, आकार,
आकृति यानी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। थोपड़ा कैसा है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, यस सर, शाबाश। चलो आगे आ जाओ। प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है भाई साहब, चार लेवल पे। यहां पर रेसिस्टिविटी पिघल गया, यहां पे प्रतिरोधकता का दिल पिघल गया, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी था, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी था तो रो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, डिट्टो कॉपी छाप दिया इसने। अगर ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पे ताप के साथ विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और हम केवल अभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम केवल अभी केवल और केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट है, ओके शाबाश। चलो आगे आ जाओ बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में मैं कनेक्ट कर रहा हूं तुम्हारे को, प्लीज प्लीज पूरा फोकस करके ये डाउट क्लियर कर लेना यार, बहुत कंफ्यूजन होगा प्रैक्टिस में, बहुत ज्यादा सही जवाब नहीं लगा पाएगा। अगर अभी डाउट है तो मैं आपको क्लियर करूं। एक है, इंग्लिश वर्ड यूज करो थोड़ा इजी समझ में आएगा, एक है रेसिस्टिविटी, मेरी बात को गौर से सुनना, एक है रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, एक है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब है रुकावट डालना, जैसे प्रतिरोध का होता है वैसे एक है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब है चालन करना। तो जो कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टिविटी का इनवर्स में है, बस केवल इतना बोलूंगा, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के इनवर्स के बराबर है, इनवर्स में आता है, व्युत्क्रम में आता है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी घटाओगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। और बाबू इसका कंपैरिजन कर लो यार, कंपैरिजन कर लो, क्योंकि अभी मैं चार लोगों से तुम्हें मिलाने वाला हूं, तीन की एंट्री हो चुकी है, चौथे के लिए वेलकम के लिए हम तैयार बैठे हैं। बताओ चौथा कौन होगा, पहला कौन था गुरुजी, पहला कौन था, रेस्टेंस, मेरे साथ बोलना, पहला रेस्टेंस, दूसरा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ने अपना आते ही पार्टनर ढूंढ लिया, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी। लेकिन जो सबसे पहले आया था अभी उसका पार्टनर नहीं मिला, कौन आया था, रेस्टेंस, कौन, मेरे शब्दों पे गौर करो, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, हिंदी में कंफ्यूजन, इंग्लिश में रेस्टेंस, इसका पार्टनर कौन है रे, अरे रेस्टेंस का पार्टनर कौन है, आइए मिलाते हैं आपको, रेस्टेंस कंडक्टेंस, रेस्टेंस, ये कंफ्यूजन कॉपी पेस्ट दिमाग में छापोगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा, बच्चा डाउट करता है, कंफ्यूज करता है, गलत करता है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी रेस्टेंस, लेकिन दोस्ती देखो किसके साथ है, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेस्टेंस कंडक्टेंस, जस्ट अपोजिट, आय हाय 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 हाय, रेस्टेंस का मात्रक ओम होता है तो कंडक्टेंस का मात्रक ओम इनवर्स या सीमेन होता है, ये बहुत बड़ा सवाल, बच्चा कंफ्यूज करेगा, सीमेन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सीमेन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सीमेन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सीमेंट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। एक बार बता दो चारों के लिए, बढ़िया मुकालात कर ले क्या, आ जाओ फिर तुम कहो यस कंडक्टेंस, तो रेस्टेंस की दोस्ती हो गई कंडक्टेंस से, खत्म, रेसिस्टिविटी सॉरी रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेस्टेंस कंडक्टेंस, मैं चाहे सीखो इधर ले जाओ, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, जैसे मर्जी आए तुम लिखो, इसका पार्टनर मिल गया, इसका पार्टनर मिल गया रे, ऐसा कर दो ऐसा, बस खत्म। ये कंपेरिजन आज तक नहीं किया होगा, आज कर रहे हैं,
और इस कंपैरिजन का मतलब समझोगे, प्रैक्टिस में पहुंचोगे, तब कि यार मैंने क्या चीजों को क्लियर किया है, डाउट किस लेवल पे क्लियर हुआ है मेरा। तार को खींचने पे प्रतिरोध में परिवर्तन। अब बाबू बोतल को हटाने का समय आ गया है, बोतल को हटाओ। तू भाई साइड में हो जा, इधर आ जा। ले पकड़, पांडे जी पकड़ो इसको। ठीक है पकड़ लिया, मैं खींच रहा हूँ वायर को, खींच रहा हूँ वायर को, खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ वायर। अरे गुरुजी वायर पतला हो गया, टूटने वाला है। अरे गुरुजी टूटेगा, रुक जाओ। ओके, इतना पतला वायर हो गया। जब किसी वायर को हम एक्सपेंड करते हैं, जब किसी वायर को हम खींचते हैं, तो जैसे मान लो इतना मोटा और इतना बड़ा पाइप है, जब इसको एक्सपेंड किया तो यही वायर कुछ ऐसा बन गया है, यही वायर कुछ ऐसा बन गया, पतला हो गया है, लेंथ बढ़ेगा लेकिन एरिया घटेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल अपॉन ए। ओ हो, लेंथ बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है, तो इसका रिलेशन, रिलेशन यस। जब किसी वायर को एक्सपेंड किया जाता है, जब किसी वायर को खींचा जाता है, तो उसकी लेंथ बढ़ती है, उसका एरिया घटता है और प्रतिरोध बढ़ेगा, परंतु आयतन स्थिर रहेगा। बच्चे ने मेरे से सवाल किया, इस वायर का जितना वॉल्यूम था, क्या इसी वायर से ये वायर हमने बनाया है? ईमानदारी से बताना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं। क्या इसी वायर से ये वायर आपने बनाया है? यस ऑर नो? अगर इसी वायर से हमने ये वायर बनाया, बस एक्सपेंड किया है, तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा? क्या आयतन बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा नहीं सर। हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले इसमें से किसी चुन्नु मुन्नु को कहा जाए ना, तो वो ये दौड़ता 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 भाग जाएगा। लेकिन जब चुन्नु मुन्नु को इसमें से भेजने की बात करेंगे, तो उसको डर लगेगा। अरे एरिया कम हो गया, लंबाई बढ़ गई, अरे रे 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 रे, अरे गुरु जी बहुत बड़ी समस्या हो गई। हे इतना बड़ा कौन पाप करता है रे? आर डायरेक्ट प्रपोजनली एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, एरिया घट गया, प्रतिरोध बढ़ गया। अरे दोनों ने एक साथ मिलके लूटा इसको। रेस्टेंस कहता है हमें तो अपनों ने लूटा। हमें तो अपनों ने लूटा। सब्सटेंस में कहां दम था? हमें तो अपनों ने लूटा, सब्सटेंस में कहां दम था? मेरी लंका ही वहां लगी जहां एरिया कम और लेंथ ज्यादा था। जहां एरिया कम और लेंथ ज्यादा था, लंका लग गई बाबू, रेजिस्टेंस बढ़ गया। जरा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। खींचने से पहले लंबाई L1, खींचने के बाद लंबाई L2। लेकिन 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 एक बात मैं और बताना भूल गया, V तो आपका सेम है, लेकिन एक बात बताओ, ये कॉपर है, खींचने से पहले, खींचने से पहले कॉपर है, तो क्या खींचने के बाद एल्यूमिनियम बढ़ जाएगा रे? है, खींचने से पहले कॉपर है, खींचने के बाद एल्यूमिनियम बढ़ जाएगा? नहीं 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 मुझे एल्यूमिनियम तो नहीं बढ़ेगा, फिर क्या बनेगा? प्लास्टिक ना, पहले एल्यूमिनियम था, अब भी एल्यूमिनियम है। रो रेसिस्टिविटी, रो रेसिस्टिविटी, लेंथ जाए भाड़ में, एरिया जाए भाड़ में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पहले रो था अब भी रो है। रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, रो पहले था अब भी रो है। सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है, और टेम्परेचर की बात हम करेंगे नहीं, आगे करेंगे अलग से। बात समझ रहे हो? चलो आगे आ जाओ। अच्छा तो गुरु जी इससे कितने सवाल आते हैं? मैंने कहा बहुत आते हैं बाबू। गुरु जी कितने? मैं कहता हूं कि इस आज की पूरी क्लास में अगर कोई मुझे न्यूमेरिकल बनाने के लिए कहे ना, तो मैं कहूंगा कि 50% न्यूमेरिकल मैं यहीं से बनाऊंगा, इस एक फॉर्मूले से। लेकिन इसको समझो, बड़ा आसानी से प्यार से याद कर लेंगे अपन। बेटा आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, कोई दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1/R2 बराबर L1/L2, एरिया को उल्टा कर दो तो A2/A1 खत्म। आगे वाले फॉर्मूले में डिराइव नहीं करूंगा। अगर केवल लेंथ की बात हो, बस याद रख लेना बेटा, चीज वही है, सेम है L1 L2। अगर लेंथ की बात हो, केवल लेंथ, एरिया नहीं है इसमें, देखो लेंथ की बात हो स्क्वायर, केवल एरिया की बात को स्क्वायर। लेकिन अब बात माननी पड़ेगी, ये रेडियस है और ये डायमीटर है, तो पावर 4 आएगा।
रेडियस और अगर आपका डायमीटर हो तो पावर फोर आएगा। मैं एक बार इसको नई दुनिया में जाके लिखना चाहता हूँ बाबू, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, तो आर वन बटा आर टू बराबर, अगर दोनों साथ होंगे तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन अगर केवल लंबाई आया तो उसका स्क्वायर कर दूंगा, अगर केवल एरिया आया तो देखो एरिया में ऊपर ए टू है तो यहां पर भी ए टू आएगा, ये मत सोचना। यहां पे एल वन एल टू था तो एल वन एल टू का स्क्वायर, ए टू बटा ए वन था तो ए टू बटा ए वन का स्क्वायर। अच्छा रेडियस, अच्छा बच्चा रेडियस को कैसे याद रखे? अरे भाई ई पे लंका लगेगी, ई पे लंका लगेगी, एरिया ऊपर ए टू, आहा हा हा, तो आर टू बटा आर वन की पावर फोर, और रेडियस है उसी अनुपात में डायमीटर है, डी टू बटा डी वन की पावर, इन दोनों में पावर फोर, इनमें पावर दो, और ये तो ऑलरेडी आ ही रहा है। अब जरा इस बात को गौर से देखो, R2 और D2 ये कैसे ऊपर आ रहा है, ये बात आपको रिलेट करनी है। रेडियस हमेशा एरिया से आता है, तो एरिया A2 है तो ये R2 आएगा, और रेडियस R2 है तो डायमीटर भी R2 आएगा। एक बार यार इस फॉर्मूले के लिए, एक बार इस फॉर्मूले के लिए एग्रीमेंट दे दो ना यार, एक बार इस फॉर्मूले के लिए एग्रीमेंट दे दो कि गुरु जी दिल में छाप लेंगे और जो क्वेश्चन आएगा उसको छील डालेंगे, जोश आ जाएगा फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या लिख दिया बेटा, अगर कुछ उल्टा लिख दिया है गलती से, ध्यान नहीं दिया हो तो उसको आप करेक्ट कर लेना, पता नहीं बच्चा क्या कह रहा है। L1 L2 A2 A1 सही लिखा है, अगर कुछ बेटा उल्टा लिख दिया है ऊपर नीचे A1 A2 तो आप उसको एक बार करेक्ट कर लेना, है ना, ध्यान नहीं दिया है मैंने तो, हो सकता है A2 बटा A1 R2 R1, है ना बेटा, कुछ उल्टा अगर लिख दिया है मैंने तो ध्यान रखना। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगली स्लाइड पे चलूँगा मैं सोचना क्लास एंड हो गया है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना टाइम हो तो, और कॉल मत करना, फॉर्म अगर गलत भर भी दिया तो बहुत गुस्सा आने वाला बेटा मेरे को, ध्यान रखना पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, सच बता रहा हूँ, कॉल नहीं आना चाहिए फॉर्म गलत भरा तो, पहले ठीक से देख लेना बड़े प्यार से बेटा आराम से। विभिन्न विद्युतीय चालक, और ये और चीज, ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, मत सोचना कि सर प्रचार प्रसार करने के लिए लेके आए बीच में, मोनेटाइज नहीं है वीडियो, मर्जी आए तो देखना, लेकिन फॉर्म गलत भरने के बाद कॉल मत करना बाबू, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत पे पानी फिरे आपकी और मेरी पे, तो प्लीज सीरियस बेटा, सीरियस होकर फॉर्म भरना, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। विभिन्न विद्युतीय चालकों के विशिष्ट प्रतिरोध बल्ब देखा है, बल्ब, अरे गुरु जी ये रहा बल्ब, ये रहा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट बोलेंगे इसको, ट्यूबलाइट, ये रहा ट्यूबलाइट, दिख रहा है क्या, ये ट्यूबलाइट बल्ब, ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट नहीं, ट्यूबलाइट में फिलामेंट नहीं आता, बल्ब में फिलामेंट आता, देखा आपने, और वो फिलामेंट अगर कहीं टूट जाता हल्का सा फिर वो किसी काम का नहीं है बेचारे, ऐसे लगता है जैसे गैस निकल गई है कि नहीं है। तो विद्युत बल्ब या फिलामेंट जिसे अपन तंतु भी बोलते हैं, है ना, तो सबसे पहला सवाल बेटा, सबसे पहला सवाल, सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिखो, सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिखो, फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इसकी रेसिस्टिविटी और इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, रेसिस्टिविटी और जो मेल्टिंग पॉइंट आपका वो आपका हाई होगा, रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होंगे, रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होंगे। टंगस्टन का बना होता है जिसका प्रतिरोधकता और गलनांक अति उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखना। दूसरा, तापीय युक्तियाँ, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी के मौसम में क्या हो रहा है, हीटर आ गया, गीजर आ गया, फ्रेस आ गया, जो भी है, इनकी जो कोयल्स होती है, जो कुंडलियां बनी होती है, उन कुंडलियों में जो तार यूज करते हैं, आपने हीटर को देखा होगा, जनरली हीटर की बात ही कर लेते हैं, उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है ना, ऐसे जैसे गोल हीटर है उसमें से वो स्प्रिंग नहीं लगी होती यूं करके, यूं करके ऐसे है ना, वायर लगी होती है ना स्प्रिंग, यस, तो ये जो स्प्रिंग है वो नाइक्रोम का बना होता है जिसका प्रतिरोधकता, मैं फिर बोल रहा हूँ, रो हाई और मेल्टिंग पॉइंट हाई, मतलब सेम रेसिस्टिविटी हाई और आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, दोनों के दोनों, बस वो टंगस्टन का है, ये नाइक्रोम का है, याद करो जल्दी से, एक टंगस्टन दूसरा नाइक्रोम, एक टंगस्टन दूसरा नाइक्रोम, चलो आगे बढ़ते हैं।
फ्यूज तार, ये पेपर में आ चुका है बाबू, ईमानदार से बताना किसके शिफ्ट में था ये, किसके एग्जाम में था। फ्यूज तार, फ्यूज वायर किससे बना होता है, टिन और लेड का बना होता है, ये एलॉय है, मिक्सर है टिन और लेड का, टिन और लेड का एलॉय है, मिक्सर है। और इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना बेटा, याद रखना, इसका जो फ्यूज तार है जो बनाते हैं फ्यूज वायर, अपने घरों में कनेक्शन करते हैं ना लाइट का, उसमें बाहर कटआउट लगी होती है, उसमें फ्यूज वायर लगा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ताकि ज्यादा करंट आते ही पिघल के टूट जाए, ताकि अपने घर का सर्किट बच जाए, अपना टीवी फ्रिज कूलर बच जाए। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इसकी रेसिस्टिविटी हाई होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है, तभी तो वो गर्म होके जलेगा, गर्म होके जलेगा, बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा तो गर्म होके जल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, टिन लेड मिश्र धातु का बना होगा, गलनांक जो है प्रतिरोधकता है, गलनांक कम होगा प्रतिरोधकता हाई होगा, इस बात को आपको समझना है। क्लियर बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रतिरोधों का वर्ण कोड यानी कोड के बारे में बात कर रहे हैं। कोड का मतलब, ये सवाल पेपर में यहां से बनता है, किस तरीके का एक कार्बन रेजिस्टेंस दिया होता है ना, एक नंबर की सीट, दो नंबर की सीट, तीन नंबर की सीट, चार नंबर की सीट, और इनको कलर कोड के नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका, है ना। तो बेटा इसमें देखो, इससे फर्स्ट पहला, ये दूसरा आपका कलर कोड, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा, चौथी पट्टी बोलते हैं इसको, पहली और दूसरी पट्टी है ना, उससे अपन अंक बोलेंगे, अंक बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, और ये आपका गुणांक होगा और ये आपका सहनशीलता होगा। सहनशीलता मैं आपको आगे बता दूंगा अभी क्या है। सबसे पहले इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है वर्ण कोड का, और वो फॉर्मूला कितने बच्चों को आता है, क्या मैं इधर जगह लिख दूं, जगह है, कितने बच्चे मेरे साथ एक बार कमेंट में लिखेंगे, वी आई बी जी वाई ओ आर, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, अरे यार एब्जोर क्या लिख रहा हूँ, बी बी रोय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, ये कलर हो गए। इसके बाद में गोल्ड और सिल्वर और कलरलेस, वो तीनों अलग है, बी बी रोय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। मैं इसको उंगुलियों पे सॉल्व करना चाहता हूँ, मुझे ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे अंगुलियों पे सॉल्व करना चाहता हूँ। गिनती स्टार्ट करूंगा जीरो से, जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ये अंक होते हैं, ये गिनती जीरो से स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखना। तो मैं इस टेबल को आगे बढ़ाना चाहूंगा, ये टेबल देखो, बीबी रोय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, ये आपका जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, और ये जो नंबर है फिर इसको पावर में बदल दो, गुणांक में, जैसे 10 की घात 0 यानी 1, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, इस तरीके से पावर। और जो गोल्ड है आपका, सोना है, उसके लिए प्लस माइनस का 5%, सिल्वर यानी चांदी है उसके लिए प्लस माइनस का 10%, और रंगहीन है कलरलेस है उसके लिए प्लस माइनस का 20%, 5%, 10% और 20%। अभी मैं क्वेश्चन से इसको आपको समझाऊंगा, है ना, जरा इधर आ जाओ, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे बेटा सारे बच्चे, ये याद है आपको, एक बार कमेंट में लिखे बीबी रोय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, देखता हूँ कितने बच्चों को याद है। तो फिर इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बड़े प्यार से। एक बार मुझे बताना बेटा, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, ठीक है, पहली पट्टी है आपका रेड, दूसरी पट्टी आपका येलो और तीसरी पट्टी आपका ग्रीन, चौथी पट्टी नहीं है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, मुकेश सर की एंट्री हो चुकी है फास्ट, रेड येलो और ग्रीन, यहां पर देखिए मैंने कहा फिंगर टिप से इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टेबल नहीं बना पाएंगे, टाइम ही नहीं होता इतना, फटाफट से। सबसे पहले देखो बी बी आर, आर बी बी रोय में जो आर है वो तीन नंबर पे आ रहा है, लेकिन गिनती जीरो से स्टार्ट हुई थी तो जीरो एक दो, यानी यहां पर लिखूंगा मैं पहला अंक दो, पहले दो अंकों को लिखते हैं, उसके बाद में दूसरी पट्टी येलो, तो बी बी आर ओ ओ बी बी आर ओ वाई येलो, ये पांच नंबर पे आ रहा है, तो एक नंबर कम करना है, गिनती जीरो से स्टार्ट हुई थी तो 24 इंटू, पहले दो पट्टियों पे अंक आता है, तीसरी पट्टी पे पावर आता है, घात आती है, गुणांक आती है। तीसरी पट्टी क्या है, ग्रीन, बी बी आर ओ वाई, बी बी रोय ग्रेट, ग्रेट क्या है बेटा, ग्रीन है, तो ये कितने नंबर पे, छह, तो एक कम करो पावर यानी पांच, तो 10 की घात 5 प्लस माइनस, चौथी पट्टी नहीं है, चौथी पट्टी नहीं है, जब नहीं होता है उसे बोलते हैं कलरलेस यानी रंगहीन, और ये कलरलेस के लिए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 20%।
एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सेट करूंगा जो आपको सॉल्व करना है, और वो है आपका बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ब्राउन, एक है ब्राउन आपका, एक हो जाएगा रेड, और एक हो जाएगा आपका ऑरेंज, एक ऑरेंज है और ये आपका गोल्ड है, ये आपका गोल्ड है, ये आपका ब्राउन, रेड, ऑरेंज और गोल्ड। ये एक एग्जांपल आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, इसको एक बार फटाफट से लिख के क्लास से होने के बाद कमेंट करना, ठीक है। और मिक्स प्रैक्टिस आपकी 2 बजे, मिक्स प्रैक्टिस बेहतरीन लेवल पे, और गजब क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, ध्यान रखना 10 क्वेश्चन 11th के 10 क्वेश्चन 12th के हैं, तो क्लास को मिस मत करना और सारे बच्चे पहुंच जाना, एयरफोर्स नेवी आईसीजी आर्मी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये स्पोकन क्लासेस डेली बेसिस पे शाम को 6 बजे रेगुलर रूटीन के साथ में अपने कम्युनिकेशन को टॉप लेवल पे करना है, ताकि रिटर्न निकलने के बाद आपको सोचना ना पड़े कि मेरा पेपर निकल गया, अब क्या मैं फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई इश्यू आता है नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे, जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास स्टार्ट हो रही है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, जय हिंद।